एवरीवन, दिस इज मीशाम। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन कस्टमेनिया। सो गाइस, आज है 31 दिसंबर, यानी कि इस साल का आखिरी दिन। तो भाई, आज की इस वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। वीडियो होने वाली है हमारे एक स्पीकर्स के ऊपर जो मैंने मंगाए हैं। तो उससे पहले भाई, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो भाई, जैसे कि आपको पता होगा कि मैंने इस साल काफ़ी कुछ अचीव करा है आपकी वजह से, आप सभी की वजह से, जो इतना अच्छा हमारा बॉन्ड बना है। स्टार्टअप में जब साल स्टार्ट करा था भाई, कुछ भी इतने अच्छे सब्सक्राइबर नहीं थे, बट अब जाके थोड़ा बहुत जो भी है आप सबकी वजह से। तो आप सब ऐसे प्यार बनाए रखना इस साल भी अपने। और भाई, मैंने जब ये साल शुरू हुआ था उस टाइम पे भी एक नई वीडियो अपलोड करी थी, पहले दिन जो कहते हो आप 1 जनवरी को भी वीडियो डाली थी, और आज लास्ट है 31 दिसंबर, तो आज वीडियो आएगी। तो भाई, ये वीडियो के पीछे एक दो वजह हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि ये वीडियो जो है हमारे स्पीकर्स के ऊपर होने वाली है। टाइटल और थंबनेल आपने देख लिया होगा दोस्तों। ये जो प्रोडक्ट है, ये मुझे क्रिसमस के टाइम पे डिलीवर हो गया था, तो मैंने इसकी थीम जो है वो क्रिसमस थीम ही रखी है, ठीक है। और उसके बाद बात करी जाए इस प्रोडक्ट के रिव्यू के बारे में, तो यार देखो, सॉन्गबर्ड जो कंपनी है, अच्छी कंपनी मानते हैं, इंडियन कंपनी मानते हैं, और इसकी काफ़ी तारीफ सुनी है। लोगों ने मुझसे बोला था कि इसको रिव्यू करना भाई, ये अच्छा काम करता है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, इसको भी करके देख लेते हैं। तो भाई देखो, इस चैनल पे मैं आपको जेन्युइन रिव्यू देता हूँ, जो मुझे सही लगता है, जो मुझे लगता है कि आप लगाओ, आपको फ़ायदा होगा, मैं आपको वही चीज़ बताता हूँ। जैसे कि आपको बताओगे, इससे पहले मैंने सोनी के रिव्यू करे थे, तो उसमें मैंने बोला था कि मेरी एक्सपेक्टेशन में नहीं पहुँच पा रहे हो, तो उसमें से कुछ भाइयों को बात गलत लग गई थी। तो यार देखो, वो बोल रहे थे नहीं, सोनी अच्छी कंपनी है, नामी कंपनी है, तुम ऐसा कैसे बोलो। तो यार, जैसा मैंने सोचा था ना, मुझे वैसा रिस्पांस नहीं मिला, तो मैंने आपको बता दिया। बट गाइस, जो ये सॉन्गबर्ड वाले स्पीकर्स हैं ना, इनसे वही एक्सपेक्टेशंस थी मुझे, और भाई ये बिल्कुल उस लाइन पे पहुंच गए हैं। क्योंकि देखो, इसकी प्राइस जो है ना, वो सोनी से कम है। सोनी के अप्रॉक्स 2500 के आपको मिल जाते हैं, बट ये आपको 2000 से 2100 के बीच में मिल जाएंगे अमेज़ॉन में। और मैं इसका बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इसे मंगा सकते हो। अगर आप यूज़ करो कुछ दिन, अगर आपको अच्छा लगता है, ठीक है, नहीं लगता है, रिटर्न कर सकते हो। बट मैं बताऊँ तो ये भाई, ये सोनी से मुझे काफ़ी अच्छा लग रहे हैं, ठीक है। तो भाई देखो, यूज़ करने वाले तो देसी सोनी भी यूज़ करते हैं, वो उनकी है, जो जिनको जो पसंद आता है वो करते हैं, बट मेरा काम है आपको सही राय देना। तो भाई, इसकी बात करी जाए कुछ उसके हिसाब से, तो देखो, सोनी के जो थे वो 440 वॉट्स के आते थे, बट ये 700 वॉट्स के हैं। सोनी के 3-वे साउंड प्रोड्यूस करते थे, ये 5-वे साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो कहीं ना कहीं स्पेसिफिकेशंस में ये काफ़ी आगे निकल गए हैं सोनी से। और भाई, अब इसकी एक छोटी सी एक अनबॉक्सिंग वीडियो आप देख लो, उसके बाद इससे पहले वाली वीडियो में बताया था फिटिंग कैसे करनी है अपनी हेड यूनिट के साथ। फिर भी भाई, अगर किसी को भी प्रॉब्लम आती है कैसे फिट करना है, तो भाई कमेंट करो, इसके ऊपर भी ज़रूर वीडियो बना देंगे। भाई मेक श्योर, अगर आप नए हैं इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि भाई ऐसी कार मॉडिफिकेशंस, बाइक मॉडिफिकेशंस, कार डीआईवाई ट्रिक्स सब की भाई इस चैनल पे वीडियोस आते रहती हैं, और नई नई जो एक्सेसरीज आती है मार्केट में, वो भी आपके साथ मैं शेयर करते रहता हूँ। भाई बेस लवर तो भाई इसी स्पीकर को ले सकते हैं, ठीक है। बेस ट्यूब नहीं है, बेस ट्यूब का कोई ज़रूरत नहीं है, मत लगाओ, ऐसा भी नहीं है। बेस ट्यूब की रिक्वायरमेंट अलग होती है और इसकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। बेस ट्यूब या सब वूफर्स या फिर जो आप चाहो लगा सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट।
अब ऐसा करते हैं, सिर्फ पीछे के स्पीकर्स को ऑन करते हैं, आगे वाले को बंद कर देते हैं। तो भाई ये वायरिंग वायरिंग सब छोड़ दो, ये सब एक कुछ काम चल रहा था, इसके ऊपर भी भाई वीडियो आने वाली है बहुत जल्दी, ठीक है। तो अभी पहले हम सिर्फ फ्रंट वाले स्पीकर्स को ऑन कर लेते हैं, नहीं बैक वाले को ऑन कर लेते हैं जो हमने सॉन्ग बर्ड के लगाए हैं। तो भाई देख सकते हो रियर में बिल्कुल फुल आ गया, ऊपर फ्रंट में जीरो माइनस में है, ठीक है। तो गाइस अब एक कोई बेस टेस्टिंग सॉन्ग लगा के देखते हैं, ठीक है, और उसका आपको मैं बेस सुनाता हूँ, इनका बेस कैसा वर्क कर रहा है। तो भाई यही कोई सभी एक सॉन्ग लगा लेते हैं और आगे की साउंड फुल कर लेते हैं पूरी। तो भाई बेस ट्यूब ऑफ है अपनी, सिर्फ स्पीकर चल रहा है। तो भाई यार यहाँ पे ना NCS से सॉन्ग लगाना पड़ेगा क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। तो भाई ये NCS का ये एक बेस बूस्टर टाइप में ही है, ठीक है, तो बेस बूस्टर आप देख सकते हो, तो इसी को चला के देखते हैं।